नजीबाबाद में घरेलू विवाद के चलते एक बेटे ने अपनी सौतेली माँ पर जानलेवा हमला कर दिया। मामला जाप्तागंज इलाके का है, जहाँ रहने वाले तबस्सुम ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि सौतेले बेटे ने तबस्सुम पर चाकू से हमला कर दिया और उसके बाल भी काट डाले। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नजीबाबाद से नईम सिद्दीकी की रिपोर्ट। क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ? मेरे सौतेले बेटे ने काट दिया, चाकू मार दिया। चाकू लगा हुआ जी? रात डॉक्टर हुई थी मेरी, कपड़े बदल कपड़े लेने जा रही, परसों इसने मुझे मारा था, कपड़े बदलने जा रही थी, कपड़े ले जा रही, रास्ते में रुकाई हो सोनू की दुकान का आगे जो गली है अंधेरा मेरी जान पे, वहाँ पे मैंने बोला कहाँ जा रही, मैं अपने कपड़े लेने जा रही हूँ, मेरी छुट्टिया पकड़ ली, छुट्टिया पकड़ के कहने लगा तुझे मदद तो खाऊंगा मैं, और मेरी छुट्टिया पकड़ के भी काट दिए, मेरे पीछे भी मार दिया। किसने मारा? मोहित ने, मेरे सौ के लिए लौंडे ने, नन के लड़के ने निकाल ले। ये काटे गए हैं आपके बाल? इसके बाबा के ही घर पड़े, वो घर पड़े पुलिस ने पैसा खा के छोटी धाराएं लग दी इसमें 324 और 323 324 323 लगाई है। मामला बनता है दफा 300।